एक कृष्ण भक्त फैमिली थी, दोनों पति पत्नी कृष्ण जी की पूजा किया करते थे। उन्हें अच्छे से भोग लगाया करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कर्मा। एक दिन उन दोनों को, पति पत्नी को, किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बेटी कर्मा, कृष्ण जी को अच्छे से भोग लगा देना टाइम पे। जी पिताजी, मैं लगा दूंगी। हम कुछ दिन में वापस लौट आएंगे। जी पिताजी। ऐसा कह के वो चले गए। कर्मा को ज़्यादा कुछ तो बनाने नहीं आता था। मैं क्या बनाऊँ? चलो खिचड़ी बनाते हैं। मीठी खिचड़ी बनाती हूँ, उसमें गुड़ डाल के। कर्मा मीठी खिचड़ी बनाती है। ठाकुर जी भोग लगा लीजिए, मम्मी पापा नहीं हैं इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, इसलिए मैंने आपके लिए मीठी खिचड़ी बनाई है। तब से मैं काम करके आती हूँ, आप भोग लगा लेंगे तभी मैं खाऊंगी। ऐसा कह के वो चली जाती है वहाँ से और अपने काम करने लगती है। फिर आके देखती है कि खाना वैसे का वैसे रहता है। हे प्रभु, भोग लगा लीजिए, मम्मी पापा नहीं हैं, आप खा लीजिए, नहीं तो फिर ये भी नहीं मिलेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मैं ही हूँ। मैं तब से कुछ और काम करके आ जाती हूँ। ऐसे कह के वो और काम करने लगती। अरे, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो भगवान जी मेरे हाथ से खा नहीं रहे, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा कह के कर्मा चली जाती है और सो जाती है। तभी उसके सपने में कृष्ण जी आते हैं। कर्मा, तुमने मेरी खिचड़ी में घी नहीं डाला तो मैं कैसे खाऊं? तभी वो उठ के तुरंत उनकी खिचड़ी में जाके घी डाल देती है। लीजिए भोग लगा लीजिए। और फिर पर्दा बंद कर देती है मंदिर का। थोड़ी देर बाद वो जब अंदर जाती है तो सारा खाना ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से रोज कर्मा भगवान के लिए खिचड़ी तैयार करती है और उनको रोज भोग लगाती है। उनके खाने में घी डाल देती है। लीजिए आप भोग लगा लीजिए। और इसी तरीके से वो पर्दा बंद कर देती है।
और चली जाती है और कृष्णा सारा खाना खा लेते हैं। फिर कुछ दिनों में उनके मम्मी पापा वापस आ जाते हैं। बेटी तुमने अच्छे से भोग तो लगाया था ना? हाँ मम्मा, मैं खिचड़ी खिलाती हूँ और वो खा लेते हैं। खा लेते हैं? लग रहा है बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। ठीक है बेटी। अरे ये घी कैसे ख़त्म हो गया? हाँ मम्मी, मैंने तो बताया था ना कृष्ण भगवान खा लेते हैं, इसीलिए घी ख़त्म हो गया, उनको एक्स्ट्रा घी चाहिए रहता है। अच्छा, फिर दूसरे दिन कर्मा टाइम पे उठ के अपनी खिचड़ी बना लेती है। जब वो कृष्ण भगवान को भोग लगाती है तो पर्दा बंद कर देती है। फिर उसकी मम्मी आ जाती हैं और पर्दा खोल देती हैं। अरे ये खिचड़ी कैसे ख़त्म हो गई? अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे इतनी अच्छी बच्ची मिली है जिसके हाथ का ठाकुर जी भोग ग्रहण करते हैं। मेरी बेटी, फिर इसी तरीके से रोज कर्मा खाना बनाती रहती है और भोग लगाती रहती है, खिचड़ी बनाती है कृष्ण जी के लिए। फिर एक दिन ऋषि मुनि आते हैं कोई, और कर्मा को देखते हैं वो बिना नहाए धोए खाना बना रही है, तो उसे बताते हैं। बेटी बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाते, ऐसा करने से पाप लगता है, भगवान भोजन नहीं ग्रहण करते। ये ठीक है, मैं नहा धो के बनाऊंगी सब चीज़ करके। तो कर्मा नहाने धोने में टाइम लगा देती है, फिर बहुत देर से खाना बनाने बैठती है। तो कृष्ण भगवान को भूख लग जाती है, उनसे रहा नहीं कराता है, वे उसके पास आते हैं। माता मुझे भोजन दो, माँ मुझे भोजन दो, ऐसा कह के वो चले जाते हैं। मेरी तो खिचड़ी नहीं तैयार है, मैं भूख कैसे लगाऊं? कर्मा इसी तरीके से खाना बनाती रहती है। मुझे भोजन दो माता, मुझे भोजन दो माँ। मैं कैसे भोजन दूँ, अभी तो बने ही नहीं हैं। तो कृष्ण भगवान मंदिर के पास चले जाते हैं। फिर कर्मा अपना भोजन लेके आती है, लीजिए प्रभु, और पर्दा लगा देती है। भगवान भोजन करने बैठते हैं, लेकिन पूरा नहीं खा पाते हैं और उनके मुंह में थोड़ा सा चावल लगा रह जाता है, और वो जगन्नाथ मंदिर को चले जाते हैं। उनका टाइम हो गया था मंदिर जाने का। मंदिर में पुजारी जब देखता है कि भगवान के मुंह में चावल लगा हुआ है, तो भगवान से पूछता है, हे प्रभु, आपके मुंह पे आपको किसने भोजन कराया? मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। तो कर्मा मुझे भोजन कराती हो, मेरी सच्ची भक्त है। तब फिर वो पुजारी समझ जाता है कि कर्मा सबसे बड़ी भक्त है, तो कर्मा के पास आता है। बेटी तुम जैसे भी भगवान को भोजन कराती हो, जो भी विधि से करती हो, वैसे ही करते रहो, कुछ भी उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जी, और इसी तरीके से कर्मा जब तक जिंदा थी तब तक रोज़ सुबह को उठ के कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी बनाती रही और भोग लगाती रही, और कृष्ण भगवान आके खिचड़ी खा जाते थे।
ये है कर्मा की कहानी, कृष्ण जी के सच्चे भक्त की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।